बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं ज़ैन उमर आर्ट न्यूज़ चैनल एंड इस्लामाबाद अपडेट जर्नलिस्ट शुमैला नूर के साथ। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान जब अपनी उम्र के 75 बरस पूरे कर रहा है तो ये काम हो गया है। मईशत की बहाली का कौमी मनसूबा बन गया है और इसकी जमानत जो है वो पाक फौज ने दी है, हमारे सिपा सालार आजम ने दी है, और खुदा का शुक्र है कि हमारे पास ऐसा अदारा मौजूद है जिसकी जमानत को बाहर के ममालिक तस्लीम कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं। अब इन्वेस्टमेंट होनी है, आपकी ज़रात में होनी है, आईटी में होनी है, और आपके मिनरल्स और माइंस में होनी है, और बाकी शोबे में होनी है। हमें अब तैयारी करनी है कि हम इसमें अपना किस तरह हिस्सा डाल सकते हैं, और हमें जो हमारे नौजवान हैं जो इस आबादी का 65% हैं, 16 करोड़ नौजवान हैं जिनकी उम्र 15 से 35 साल के दरमियान है, और यकीन जाने कि ये डंकी नहीं हो सकते। इनका नसीब ये नहीं है कि ये कश्तियों में डूब जाएं, इनका नसीब ये है कि ये यहाँ रहकर पैसे कमाएं, अपने वालदैन की खिदमत करें, बहन भाइयों की खिदमत करें, और अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए तकद्दो करें। और मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों का ख्याल है कि शायद ये भी एक उसी तरह का मंसूबा है जिस तरह के पहले मंसूबे होते थे, ऐसा हरगिज़ नहीं होने जा रहा। वही सियासी पार्टियां, वही सियासतदान जो हैं वो सियासी तौर पर जिंदा रह सकेंगे जो इस इक्तसादी बहाली के कौमी मंसूबे के ताबे होंगे, जो इसको अपनाएंगे। इसलिए हुकूमत जिसके भी आए, जैसे भी आएगी, ये मंसूबा चलेगा और आगे बढ़ेगा। और आपके लिए सिर्फ इतनी सी इल्तमास है कि कुछ कर लो नौजवानों, उठती जवानियां हैं, खेतों को दे लो पानी, अब तो बह रही है गंगा।